आज हम डिस्कस करेंगे तो सेकेंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का। आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से ऑर्गेनिज्म से किसी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे इंसुलिन हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी जो है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और जो बैक्टीरिया का इसलिए यूज करते हैं कि बैक्टीरिया का डिवीजन जो होता है बहुत फास्ट होता है, और कहा जाए पर मिनट जो है मिलियंस एंड मिलियंस डिवीजन कर सकता है। इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, मिलियंस एंड मिलियंस प्रोडक्ट बने। तो आप देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर किस तरह से टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके, हैमर और सीजर का यूज करके नहीं, या स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उस टूल्स को के द्वारा अलग करते हैं और दूसरे में जाकर के फिट किया जाता है। सेम केस है जेनेटिक इंजीनियर का, उसमें किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसके जीन का ट्रांसफर करते हैं। तो वहां ऑटोमोबाइल के इंजीनियर में हमने वहां टूल्स एंड टेक्निक देखा था, उसी तरह से अगर हम जेनेटिक इंजीनियर की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियर में क्या होता है, इसमें भी टूल्स एंड टेक्निक होता है नहीं, उसमें भी हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं, किस चीज के लिए हम करेंगे रिकॉम्बिनेंट, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। आपने बनाया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे बनाया आपने रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया, आप वहां देखा कि एक वहां पे आपने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और उस बैक्टीरिया के द्वारा आपने फॉरेन जीन का ट्रांसफर करके वेक्टर के जरिए, जो वेक्टर बैक्टीरियोफेज था, जो वेक्टर क्या हो सकता है, जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है, और उसके जरिए कैरी करके उस सेल में डाला जाता है, इसका जीन लेके हम डाला सकता है, तो आपको क्या बनता है, वहां बनता है आपको रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए। इसके लिए जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं उसका टूल्स एंड टेक्निक होता है, टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस रिकॉम्बिनेट का टूल्स का इस्तेमाल होता है। जो टूल्स क्या हो सकता है, पहला टूल्स हो सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टूल्स हो सकता है पॉलीमरेज, टूल हो सकता है लाइगेज, टूल हो सकता है से, टूल हो सकता है वेक्टर्स नहीं, दीज आर द टूल्स यूजिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला क्या कह रहा है, इस के हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपने जो बैक्टीरिया के जरिए आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था, उस रिकॉम्बिनेंट के द्वारा आप बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर इंसुलिन बनाना हो तो आप वेक्टर यदि आप बैक्टीरिया भी यूज करते हैं, आपका इंसुलिन बनता है, आपका एंजाइम्स बनता है, आपका हार्मोन्स बनता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। जब तक आप डीएनए के साथ बैक्टीरिया रिकम्बाइन नहीं करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन नहीं सकता। तो आप जानते हैं ना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, इस रिकॉम्बिनेंट दो तरह का होता है,
एक होता है आर्टिफिशियल और दूसरा क्या होता है नेचुरल। क्योंकि इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या देखेंगे कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर पेरेंट्स का दोनों कैरेक्टर है, पेरेंट्स में अगर कहा जाए कि मेल एंड फीमेल का जो ट्रेट्स होता है वो ट्रेट्स का जी कंबाइन करके क्या होता है ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि सेकंड डिवीजन में जो म्यूटिक सेकंड डिवीजन है उसमें क्या होता है, उसमें आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टेजेज होता है म्यूटिक फर्स्ट में प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। अब उस प्रोफेज के फर्स्ट स्टेज में डिफरेंट सब स्टेजेज होता है लेप्टोटिन जायगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन। तो आप देखेंगे कि डिप्लोटिन स्टेज में वहां क्रॉसिंग ओवर होता है। आप जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, एक का ट्रेस दूसरे में दूसरे का ट्रेस क्या होता है वो ट्रांसफर करता है, वहां भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। वो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नेचुरल होगा। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो ये जो कहा जाए फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है इसका किसने डिस्कवर किया, इसका डिस्कवर करने वाला था एस्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉय, नहीं हर्बर्ट बॉय, ये दो साइंटिस्ट था हर्बर्ट बॉय और स्टेनले कोहेन, उसने आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। तब जाके ये जो प्रोसेस देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो टूल्स एंड टेक्निक है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, नहीं वो टूल्स क्या होता है, पहला कौन सा है, पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर होता है। क्या होता है ये मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे कैंची होता है ना, कैंची से क्या करते हैं, कैंची से आप ये नहीं करते हैं काटते हैं। तो वहां डीएनए को काटने के लिए उसके जीन को काटने के लिए सीजर होगा, उसको जोड़ने के लिए क्या होता है पेस्ट होता है, उसको लाइगेज कहा जाता है, लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। वहां कौन सा एंजाइम काम कर, लाइगेज का। तो काटने का जोड़ने का और कैरियर का डिफरेंट टाइप का जो टूल्स है रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए का, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में काम आता है। कंसेप्ट क्लियर। तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है हाउ टू डीएनए कटिंग, अब डीएनए कैसे काटेंगे, नहीं आप अगर कहा जाए कि आप डीएनए को कैसे काटेंगे तो कहा जाता है डीएनए काटेंगे ना, आप ये चीज देख लीजिए। सबसे पहले जो जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था वो था साल्मोनेला टाइफी, कोई बैक्टीरिया ले सकते हैं, और उसके बाद किसने इस्चरिकोलाइस। तो आप जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया में क्या होता है, दो तरह क्रोमोसोम होता है, नहीं एक को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और दूसरा क्या है नॉर्मल क्रोमोसोम। अगर इस नॉर्मल क्रोमोसोम को आप निकाल देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। और ये आपका क्या प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है ऑटोनोमस, ये जब डिवाइड होगा तभी डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैक्टीरिया को अगर डर लगता है तो किसे लगता है, अगर बैक्टीरिया को डर लगता है तो इसको सबसे ज्यादा डर लगता है किससे, बैक्टीरियोफेज से। किसे डर लगेगा, बैक्टीरियोफेज से लगेगा। तो ये अटैक करेगा इस पे तो अपना डीएनए डाल देगा, नहीं अपना डीएनए क्या करेगा, अपना डीएनए डाल देगा।
आप जानते हैं कि इस बैक्टीरिया में क्या प्लाज्मिड है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और नॉर्मल क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया खुद का क्या होता है, डिफेंसिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, डिफेंसिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्यों भाई ये डिफेंसिव प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्या काम करता है इसका? आप जानते हैं ना कि इसमें भी डीएनए है, बैक्टीरियोफेज में भी, और दूसरा क्या है, प्लाज्मिड में भी है। तो ये जो खुद का जो बैक्टीरिया है अपने डीएनए को मिथाइलेशन कर देता है। क्या कर देता है, अपने डीएनए को मिथाइलेशन करता है, मतलब मिथाइल जो है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मिथाइलेशन कर देता है। तो क्या करेगा, ये अपने बैक्टीरिया को तो डैमेज नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें क्या चीज है, मिथाइलेशन है, वो डैमेज नहीं करेगा। डैमेज करेगा किसको, तो काटेगा इसको, काटेगा इसको, नहीं किसको काटेगा, ये काटेगा किसको, ये काटेगा जो डीएनए है आपका बैक्टीरियोफेज का, उसको काटेगा। और कहां से काटेगा, वो काटेगा बीच से। अब यहां देखिएगा कि यहां देखिए कहा जाता है कि ये डीएनए है ना, ये डीएनए नहीं, कहा जाता है कि इसमें जो सीक्वेंस होता है बेस पेयर का वो अटैच होता है, और इसमें से कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया नहीं, तो इस पर अगर बैठता है तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बी से कटिंग करेगा, कहां से करेगा, बी से कटिंग करेगा। तो आप जानते हैं कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ये दो तरह का होता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है इंडोन्यूक्लिएज, क्या कहेंगे उसको, इंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लिएज। क्यों भाई, क्यों, दो तरह का एग्जाम होता है, एक को क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा क्या कहते हैं, इंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, इंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम था उसको हिंडी वन जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा लिया गया था, हिंड वन लिया गया था। अब याद देख लीजिए कहा जाता है इंडोन्यूक्लिएज जो बी से काटेगा, बी से कटिंग करेगा डीएनए का, उसको इंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है, और एक्सोन्यूक्लिएज किसको कहेंगे, जो साइड से काटेगा। ये आप देख रहे थे, ये आपका आरएनए है ना, ये आपका डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ना, तो जो बी से काटेगा उसको इंडोन्यूक्लिएज कहा जाएगा, और जो साइड से काटेगा, साइड से हटाएगा, उसको क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है, क्या बोलेंगे उसको, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये दो तरह का, लेकिन ये जो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम है उसका यूज पैंक्रियाज में होता है, और ये इंडोकेंजा का जो होता है ये बैक्टीरिया में होता है, क्या होता है, ये बैक्टीरिया में होता है। तो इसका सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो था हिंड डी वन। अरे भाई क्या है, दो वर्ण है, हिंड डी वन। आप जानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितना होता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है आपको मतलब है कि 1000 से भी ज्यादा होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसमें जो स्ट्रेन होता है वो आपको 250 से भी ज्यादा होता है, नहीं कितना एंजाइम है, हजारों हजार,
नहीं, और कितना एक्सीडेंट है 250 से ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप देखते हैं हीन डी वन, ये क्या है? आप पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, जब किसी चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगा? एक होगा जीनस और दूसरा क्या होता है स्पीशीज, होता है कि नहीं होता? जीनस ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर ना, एंड स्पीशीज ऑलवेज राइट इन द स्मॉल लेटर ना, दैट कंबाइंड दैट फॉर्म ए बायोलॉजिकल नेम, दैट फॉर्म द बॉटनिकल नेम, दैट फॉर्म द जूलॉजिकल नेम, नेम जस्ट डिवाइडिंग इन द जीनस एंड स्पीशीज। हियर इज ऑल्सो एच इंडिकेट द जीनस, द फर्स्ट लेटर कैपिटल इंडिकेट द जीनस, सेकेंड लेटर इन नहीं दैट इज स्पीशीज। तो जो आपने देखा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पीशीज में क्या करता है, उसको हम बांट देते हैं, क्या करता है उसको हम बांट देते हैं। तो ये क्या है अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें डी वन एनोफिलस, आई से क्या होता है इन्फ्लुएंजा, डीजे होता है इन्फ्लुएंजा, इसको इंडिकेट करता है। और डी क्या है? डी फॉर एस्ट्रेंड, और टू क्या है? वैरायटी। उसी तरह से कहा जाए अगर इको आर वन की बात करें, ई मने स्टिली कुलाई बैक्टीरिया ना, ई कुलाई स्टिली कुलाई आर इंडिकेट फॉर द स्ट्रैन, वन इंडिकेट फॉर द वैरायटी, आर वन भी हो सकता है, आर टू भी हो सकता है, आर थ्री भी हो सकता है, आर एस वन भी हो सकता है, डी वन डी टू डी थ्री दैट इंडिकेट द स्ट्रैंड, दैट इंडिकेट द वैरायटी। डी आपका क्या होगा? ये स्ट्रैंड होगा, और ये जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा? वैरायटी होगा। ये है इस बेस पे इसको क्या करते हैं, इस बेस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज, एक नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन इंजाइम और एक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर बोले अगर कहा जाए कि एक नॉर्मल इंजाइम और दूसरा क्या रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में डिफरेंस यही है, एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस का नाम है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एक नॉर्मल है, एक रेस्ट्रिक्शन एग्जाम है, दोनों का सीक्वेंस कैसा होगा? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? क्या होता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के? आप जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल है मलयालम, मलयालम नहीं मतलब जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे और राइट से लेफ्ट जाएंगे, दोनों क्या होगा? सेम होगा। अगर इसकी बात करें तो मलयालम, तो ऐसे भी देख ली उल्टा लिखिए इसको, तो मलयालम दोनों बराबर है ना। यहां से अगर देख लें मलयालम तो फिर मलयालम, तो ये आपका क्या है? लेफ्ट है, ये क्या है? राइट है। तो लेफ्ट से लिखेंगे तब भी वही पढ़ा जाएगा, और राइट से लिखेंगे तो तभी क्या होगा? वही पढ़ा जाएगा। ऐसे सीक्वेंस को आया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। क्लियर? जस्ट क्लियर, समझ आ रही बात? अरे सर, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको कहेंगे? कहा जाएगा कि अगर ये अगर पेन की बात करें ना, तो चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसे, दोनों क्या है? दोनों बराबर है ना, दो सीक्वेंस बराबर है। तो राइट से अगर लेफ्ट जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो दोनों बराबर होगा।
एग्जाम्पल मलयालम की बात करें, इधर से भी आप लिखेंगे तो मलयालम करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। लेकिन ये आप यहां देखेंगे कि आप यहां देख रहे हैं, ये आपका डीएनए ना, ये देखा स्ट्रैंड है। आप जानते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट बेस जो है, सीक्वेंस ऑफ जो बेस है, आप देखा ना जी ए ए टी टी सी, जिसे क्या होता है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन। आप लेफ्ट से अगर चाहे लेफ्ट की बात करें तो ये लेफ्ट से करेंगे यहां, और राइट से करेंगे तो वही होगा ना जी ए टी टी सी, जी ए ए टी टी, दोनों बराबर है। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक कहा जाता है। तो क्या फायदा है इसका? एक डीएनए इसका है, एक डीएनए इसका, दो तक का डील लेना। तो यहां से अगर अगर जीए के बीच में काटेंगे तो यहां काटेंगे, उसी तरह से राइट, ये तो लेफ्ट साइड की बात करें ना, उसी तरह से अगर राइट साइड की बात करें तो जी और ए के बीच में मार्किंग करना, तो यहां से मार्किंग करना, काटना ठीक उसी तरह से। अगर यहां से काट रहे काट तो यहां से आप कटिंग करना, जब इसको काटेंगे ना तो ये कटने के बाद ये एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कॉम लाइक अगर कहा जाए, अगर इसकी बात करें, ये देख रहे हैं यहां पे, अगर इसकी बात करेंगे ना, ये देख रहे हैं ना, ये जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है, काट के अलग कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं। फिर इसको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो फिर आपका ये क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। ये जो स्टैंड है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये क्या फिर ज्वाइंट हो जाता है। और ये ज्वाइंट कैसे होता है? होता है, आप जानते हैं कि आपका रिस्ट्रिक्स है, इंजामिन सीजर है, मॉलिकुलर सीजर है, वहीं जो डायरेज और ये पेस्टिंग का काम करता है, ये पेस्ट हो जाता है। और पेस्ट होने के बाद क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाता है। तो इसका ट्रेट्स और इसका ट्रेट्स होगा कि नहीं, क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए बनिए नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना? आपने क्या देखा था वहां पे? आपने इससे पहले भी देखा था ना, क्या देखा था वहां पहले में आप, कि आपने क्या किया, हमको बनाना निकाल, आपने किसी का, किसी इंसान का इंसुलिन लिया और इंसान के उसके डीएनए निकाला, उसको आपने स्टिची साइड जोड़ा तो आपका ये हो गया, नहीं ये साइड होगा। दूसरा आपने प्लाज्मिड लिया, नॉन प्लाज्मिड, वहां से जस्टिस से इंजाम काट दिया, और दूसरा जो आपने काट उठ के बनाया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, बन गया नहीं रिकॉम्बिनेंट, बना कि नहीं बना? तो इस तरह से जो है टूल्स के द्वारा, जो जेनेटिक टूल्स है, जो इंसीजर का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है, जो वेक्टर का काम करता है, और वो सारे चीज कहां वर्क होता है? होस्ट सेल में। हमारा होस्ट सेल कौन होगा? हमारा होस्ट सेल बैक्टीरिया होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको आइसोलेट करेंगे, नहीं इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड फ्रैगमेंट्स, उसको अलग करके आप उसका एक फ्रैगमेंट बनाएंगे, नहीं फ्रैगमेंट बनाएंगे जो डिफरेंट प्रिंसिपल के जरिए, डिफरेंट थ्योरी के जरिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। ओके okay?